हंसी इतनी सी खुशी कितना सा टुकड़ा चांद का बाबू के दिनों से चल बनाए आशिया इतनी सी हंसी इतनी सी खुशी कितना सा टुकड़ा चांद का आजा दिल की ये जमीन थोड़ा सा तेरा सा होगा थोड़ा मेरा भी होगा अपना आशियां इतनी सी हंसी इतनी सी खुशी इतना सा टुकड़ा चांद का बाबू के दिनों से चल बनाए आशियां इतनी सी हंसी इतनी सी खुशी। मैं जब भी ये गाना सुनता हूँ मुझे एक अपनी ज़िंदगी का इंसिडेंट याद आता है। ये इंसिडेंट करीबन 15 साल पुराना है जब मैं एक कंपनी में काम करता था जो कि गुड़गांव में थी। मैं दिल्ली में रहता था और मेरा ऑफिस गुड़गांव में था। तो हम लोग शाम को करीबन 8:15 बजे ऑफिस से वापस निकलते थे और हमको एक ऑफिस की कैब छोड़ने आती थी। यूजली हमें 8:15 बजे भी 1.5 घंटा लग जाता था। ऑल्दो मेरा घर केवल 35 किलोमीटर्स दूर था, बट आप लोग जो गुड़गांव दिल्ली के बारे में जानते हैं, ये प्री कोविड की टाइम है तो ट्रैफिक हमेशा से बहुत ज़्यादा होता था हाईवे पे। सो 1.5 घंटा वॉज यूजुअल टाइम इफ़ यू लीव अराउंड 8:15 फ्रॉम द ऑफिस। लेकिन वेडनेसडेज को ये 1.5 घंटा 2 घंटे में बढ़ जाता था। तो 30 मिनट्स वर एडेड ऑन एवरी वेडनेसडे। और उसका कारण था कि हम जो रूट लेते थे उस रूट पे एक रोड पे एक वेडनेसडे बाज़ार लगता था। तो आप में से जो भी नॉर्थ इंडिया के बारे में जानते हैं, यू वुड नो दैट ऑलमोस्ट एवरी सिटी इन नॉर्थ इंडिया हैज़ वन ऑफ दीज फ्ली मार्केट्स ऑन वन ऑफ द डेज। कभी मंडे बाज़ार, ट्यूसडे बाज़ार, वेडनेसडे बाज़ार, तो कुछ तो ऐसा बाज़ार लगता है। और इस बाज़ार में सब कुछ मिलता है। यहाँ से आप फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, खाने पीने की चीज़ें, कपड़े, होम डेकोर का स्टाफ, मतलब जो भी आप इमेजिन कर सकते हो वो सब मिलता है। इट्स लाइक अ फ्ली मार्केट, इट्स लाइक अ मॉल ऑन द रोड। एंड यू नो पीपल हु आर लुकिंग फॉर इकोनॉमी डील्स दे ऑलवेज कम एंड विजिट दिस बाज़ार। बट चैलेंज ये होता है कि लोग अपनी गाड़ियाँ, अपने स्कूटर, अपनी साइकिल, जिस पे भी आते हैं उसको बहुत रैंडमली पार्क कर देते हैं, जिससे ट्रैफिक ब्लॉक हो जाता है। और जैसे मैंने बोला, इस मार्केट में कुछ खाने पीने के स्टॉल्स भी होते हैं और वो खाने पीने की चीज़ें यू नो बड़ी टेस्टी स्मेल करती हैं। तो समोसे, टिक्की, चाट, छोले भटूरे एंड व्हाट नॉट। तो एक मई का महीना था जिसमें हम वेडनेसडे को अपने घर वापस जा रहे थे। और जैसे ही हम इस वेडनेसडे बाज़ार वाली रोड पर पहुँचे तो एज एक्सपेक्टेड वहाँ पर टोटल ट्रैफिक जैम था। उस दिन मेरी गर्दन में दर्द हो रहा था तो मैं सो नहीं पा रहा था। नॉर्मली मैं सो जाता था गाड़ी में, बट मैं सो नहीं पा रहा था तो मैं बाहर देख रहा था। तो मेरे बिल्कुल पास, मेरे बिल्कुल साथ में एक सीन हो रहा था जिसको मैंने ऑब्जर्व कर पाया क्योंकि मेरी गाड़ी वहाँ पे 5 से 6 मिनट के लिए खड़ी थी। तो ये सीन था कि बिल्कुल हमारी गाड़ी के साथ एक रिक्शा खड़ी थी। उस रिक्शा पे 2 छोटी छोटी बच्चियाँ बैठी हुई थी। आई थिंक वो मुश्किल से 10 साल की होंगी, 10 साल से नीचे की ही होंगी। सो बोथ दीज गर्ल्स वर सिटिंग ऑन द रिक्शा। और उनके जो फादर थे जो कि रिक्शा पुलर थे, और वो पसीने से पूरे भीगे हुए थे, बिल्कुल ऐसा लग रहा था नहाए हुए हैं पसीने से। मई का महीना था, वो रिक्शा चला के आए थे। वो उस छोले भटूरे की दुकान पे खड़े थे और वो वहाँ से 2 छोले भटूरे की प्लेट लेकर वो आए और उन्होंने रिक्शा पे आके अपनी दोनों बच्चियों को वो एक एक छोले भटूरे की प्लेट दी। और मैं ये सब देख रहा था तो उन बच्चियों के चेहरे पे जो मुस्कान थी उसको डिस्क्राइब करना मुश्किल है। दे वर सो हैप्पी, दे वर डिलाइटेड। और वो बड़े ही मज़े ले लेके उसके बाद उस छोले भटूरे की प्लेट को इंजॉय कर रहे थे। वो छोले भटूरे खा रहे थे। उनके फादर जो कि खुद नहीं खा रहे थे बट वो उनको देख रहे थे। एंड यू कुड सी देयर वाज अ ग्लीम इन हिज आईज, ही वाज स्माइलिंग एंड ही वाज फीलिंग सो हैप्पी। तो वो पूरा सीन जब मैंने देखा तो मुझे एक बहुत ही ज्यादा स्टार्क रियलाइजेशन हुई। तो मुझे लगा कि इन लोगों के पास कितने लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, बट दे आर हैविंग अ वेल ऑफ अ टाइम।
यू नो इट डिडंट मैटर टू देम कि ये खाना उन्होंने एक रोड साइड शॉप से उठाया है जहाँ पे शायद इतना हाइजीनिक तरीके से नहीं बना होगा. इट डिडंट मैटर टू देम कि यार इतनी गर्मी है, कोई एसी नहीं, कोई पंखा नहीं, वो ओपन में रिक्शा में बैठ के वो खाना खा रहे हैं. इट डिडंट मैटर टू देम कि यार आसपास लोग चल रहे हैं, गाड़ियों के हॉर्न बज रहे हैं, शोर मच रहा है, उनको उस चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ा. यू नो फॉर देम वॉट मैटर्ड वॉज कि यार आज हमारी आउटिंग है, दिस इज़ द बेस्ट दैट वी कैन अफोर्ड, सो लेट्स इन्जॉय दिस फॉर द मोमेंट. और मैंने सोचा ये कितना बड़ा और कितना वैल्यूएबल लाइफ लेसन है. यू नो पीपल लाइक यू एंड मी हैव सो मच अबंडेंस इन आवर लाइव्स. वी आर अमंग द रेयरेस्ट फ्यू पीपल इन द वर्ल्ड हु आर ब्लेस्ड विद सो मेनी प्रिविलेजेस. तब भी हम शायद जो चीज़ें हमारे पास हैं हम उनको उतना इन्जॉय नहीं करते हैं जितना हमें करना चाहिए. यू नो देर इज़ नो हार्म इन एस्पायरिंग फॉर मोर एंड गेट बिगर एंड बेटर थिंग्स, बट उस होड़ में अगर आप जो आपके पास है उसको इन्जॉय ना करो तो उसका क्या फ़ायदा, जो कि मोस्ट ऑफ अस डू. सो दैट वॉज वन वेरी वैल्यूएबल लेसन दैट आई लर्न्ड. एंड सेकेंड लेसन दैट आई लर्न्ड कि यू नो वेन एवर यू सी पीपल लाइक दीज ऑन द रोड, दीज आर पीपल हु आर यू नो लाइक रिक्शा पुलर, लाइक यू नो पीपल हु आर सेलिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ऑन द रोड्स, दीज आर पीपल जो आपके शायद जूते चप्पल रिपेयर कर रहे होते हैं सड़क के किनारे बैठ के, आई थिंक यू शुड नेवर एवर नेगोशिएट विद दीज पीपल. इनफैक्ट मैं कभी भी इन लोगों के साथ नेगोशिएट नहीं करता हूँ, क्योंकि अगर उसने आपसे 10 रुपये या 20 रुपये ज़्यादा भी ले लिए तो आप ये सोचिए कि ये 10 रुपये या 20 रुपये से शायद वो अपने बच्चों को एक ट्रीट दे पाए, शायद वो अपने बच्चों को एक अच्छी बुक खरीद के दे पाए, शायद वो अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में ले जा पाए, शायद उनका मेडिकल ट्रीटमेंट ठीक से करवा पाए, राइट? सो नेवर एवर नेगोशिएट विद दीज पीपल. सो दिस वॉज द इंसिडेंट दैट आई वॉज रिमाइंडेड ऑफ listening to this song, Itni Si Hasi, Itni Si Khushi. I hope you liked it. Do share and subscribe to my channel if you like the kind of content that I create. Until next time, this is Vishal Malik signing off.